दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास यदि रेडमी नोट टेन एस फोन है तो उसको आप रेस्टार्ट कैसे कर सकते हैं या रिबूट कैसे कर सकते हैं तो बहुत एक ही बात होती है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिस्टार्ट कैसे करते हैं उसके बाद मैं आपको बता दूंगा जब रिबूट होगा कि रेस्टार्ट करने के फायदे क्या होते हैं तो रिस्टार्ट या रिबूट करने के लिए आपको पावर बटन को थोड़ी देर दवाई रखना है दवाई रखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है रिबूट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा पावर साइलेंट एयरप्लेन मोड रिबूट तो आपको क्या करना रिबूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिबूट करने पे आपका जो फोन है पर रिबूट होने लग जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिबूट करने से फायदा क्या होता है रिबूट करने से ये फायदा होता है मांग के चलिए आपके फोन में थोड़ा लेग वगैरह आ रहा है या आपके कोई फोन में दिक्कत आ रही है छोटी मोटी या कोई एरर शो हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं अपने फोन को एक बार रिबूट कर सकते हैं रिबूट करने के बाद जो दिक्कत है वो आपकी जहां तक दस परसेंट पंद्रह परसेंट तक ये फिनिश हो जाती है कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो नहीं फिर नहीं सो लेकिन छोटी मोटी जो दिक्कत है वो आपकी फिक्स हो जाती है लेक वगैरह ठीक है तो वो फिक्स हो जाने के बाद आपका जो फोन है पहले से बेहतर जो चलने लग जाता है अब तो रिबूट आपको कब कब करना चाहिए दिन में वैसे एक दो बार एक एक बार तो कर लेना चाहिए या आप हफ्ते भर में एक दो बार तो उसको रिबूट कर ही सकते हैं तो रिबूट अब यहाँ पे हो चुका है अब मैं यहाँ पे लॉक खोल के आपको दिखा देता हूँ तो इस तरीके से रिबूट आपका हो जाएगा आपको कुछ भी चेंजेस नहीं आए लेकिन आपका जो फोन है यदि आपकी पहले से कोई दिक्कत आ रही छोटी मोटी तो वो दिक्कत यहाँ पे फिनिश हो जाती है तो ये सारी चीजें हैं तो होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है यदि आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आइकन को प्रेस कर देना चलिए गाइस बाय